बजे रात में प्रशासन ने आया, शिवलिंग को उखाड़ के लेकर चले गए। डीएसपी के गाड़ी से जो मांगे सौ पर मृत्यु हुआ, डीएसपी गाड़ी से हुआ। 20-25 फायरिंग भी हुई और तब तक ग्रामीण लोग जुटे कि इसके बाद ये आग तक लगाई गई। इससे पहले पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत भी यहाँ पर उपस्थित थे। इसको भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। साथ में बेला पंचायत का मुखिया और किसी ग्रामीण अरुण पासवान किरानी जी, ये लोग लोकल आदमी लगभग 20-25 आदमी प्रशासन के साथ रात में। क्या हुआ था, फैसला हुआ था कि मूर्ति वापस देने का, क्या हुआ? ये सीओ साहब ने लगाया था कि कहा कि अगर सोनमति पंचायत में पड़ेगा तो सोनमति पंचायत को दिया जाएगा। तब तक गोस घाट का कोई घटना हुआ था, इसी काल में इधर चले गए। इसके बाद ग्रामीण लोगों ने 5 अप्रैल के तीन दिन तक रखा। इसके बाद उन लोगों ने शिवलिंग को स्थापित, जो हिंदू धर्म को जो रिवाज होता है, इसके पूजा पाठ में हम लोग शिवलिंग को स्थापित करते हैं। तो फिर अचानक कैसे रात में पुलिस उखाड़ने के लिए चली गई? ये कैसे सर पर माहौल बना या नहीं बना हम लोग को सर? शादी में इधर ही शादी था और इधर भी था, सब उधर ही है। और कोई बोलना चाहते हैं कुछ बताओ? घटना तो पहले भी 5 अप्रैल को जो वहाँ से लाया गया था, फिर यहाँ स्थापना किया, इस बीच में फिर हल्ला हुआ था। बाद में बोले थे प्रशासन हम ले जाएंगे, बोला हम लोग बोले ठीक है, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। बस यही कहकर हम लोग खत्म बात कर देते। बाद में पूजा पाठ हो रहा था। कब शिवलिंग मिला था और कहाँ पे मिला था? बगल में मिला था, यहाँ नहर के कनाल में मिला था और 5 अप्रैल को मिला था, ये रामनवमी का दिन। उसके बाद से विवाद चल रहा था। वैसे इधर ऐसे में नहीं चल रहा था कि मारपीट हो रहा था, वैसे कागज पे ही चल रहा था रात में। और रात में अचानक आया और ये लोग जो है रात में क्या क्या घटना होगी, कैसे पुलिस आई कुछ ये तो मैं नहीं देखा। जब रात में आवाज़ हुआ, हल्ला हुआ, उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर, तो यहाँ भी पूरा पुल का जाम कर दिए थे, पूरा भरा हुआ था, कच्चा कच्चा पुलिस पूरा जो है भरा हुआ था इधर, और रोड भी पूरा जाम था। इस बीच में आया जब तक हम लोग लाठी भी चार्ज हुआ था, लाठी चार्ज भी हुआ। जो एक आदमी की मौत हुआ वो कैसे हुआ? गाड़ी चढ़ा दिया है, दो आदमी है, एक आदमी घायल है, वहाँ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है उसका।